अवसर पर यहाँ पर बोर्डो में है, नई व्यवस्था में। अरे न्यूज चैनल वाले कहाँ गए हो तुम लोग, कहाँ है यहाँ पे? और हमें न्याय दिलाओ, मोदी जी से न्याय दिलाइए। हम कदम उठे हैं यहाँ पर भारत में। मुर्दाबाद, मध्य प्रदेश शासन मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। ये शिक्षा वर्ग से संबंध है और अध्यापक हैं और ये जंतर मंतर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनकी मांगे क्या है, इन मांगों के संदर्भ में हम इनसे बात करते हैं जो अध्यापक हैं। लखन सिसोदिया, जिलाध्यक्ष छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ इतना रोष प्रकट कर रहे हैं और एक अध्यापकों का एक शिष्टाचार है, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश शासन के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, उस प्रदेश में एक शिक्षक का कार्य करते हैं जो गरीब बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए न्यूनतम वेतन में, बहुत कम वेतन में काम करा रहे हैं। और जो वर्तमान में सातवें वेतनमान पूरे देश में मिल रहा है, हमको अभी तक ना ही छठवां ना सातवां, और शिक्षा विभाग में हम लोग शिक्षक हैं लेकिन शिक्षा विभाग के नहीं माने जाते हैं, पंचायत विभाग के माने जाते हैं और ग्रामीण विभाग के माने जाते हैं, नगर विभाग के माने जाते हैं। हमारा विभाग ही नहीं है, तो हम शिक्षा विभाग चाहते हैं क्योंकि हम शिक्षा देते हैं। हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन जल्द से जल्द कर दे, अन्यथा हम दिल्ली में बिल्कुल सड़कों में ऐसे ही तर बतर हो जाएंगे, सड़कों पर तितर बितर हो जाएंगे। आपका एक काम है बच्चों को शिक्षा देना, संविलियन किस में करना चाहते हैं आप लोग? शिक्षा विभाग में संविलियन होना चाहिए। अभी हमको पंचायत कर्मी किया गया है। मध्य प्रदेश भारत देश एक देश है, एक राष्ट्र है, एक और एक कानून है, तो शिक्षा विभाग का एक पद होना चाहिए और शिक्षा विभाग में सम्मिलन होना चाहिए। इसी तरह गुरुजियों को 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, समान वेतन होना चाहिए, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको आज 2017 में अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन किया गया है, उनका 20 वर्षों की सीनियरिटी खत्म कर दी गई है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना चाहते हैं कि गुरुजियों की वरिष्ठता का लाभ दिलाएं, अन्यथा इसी तरह शिक्षक दिवस के दिन हम दिल्ली क्या मामा की शिकायत नाना से दिल्ली करने आए हैं। और शिक्षा विभाग में जब तक सम्मिलन नहीं होगा तब तक अध्यापक मध्य प्रदेश का आंदोलन रहित रहेगा। भोपाल जाना पड़ेगा, जिला में करना पड़ेगा, दिल्ली में करना पड़ेगा, नंगे होके करना पड़ेगा, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग में सम्मिलन नहीं होगा तब तक अध्यापक आंदोलन रहित रहेगा। गुरुजी की वरिष्ठता जब तक नहीं मिलेगी, गुरुजी अध्यापक राज्य अध्यापक के साथ है और इसके लिए हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलन करना होगा। इसके लिए हमें चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े, विद्यालय में हम बच्चों को राष्ट्र निर्माता हैं, विद्यालयों तक बच्चों से कभी कोताही नहीं करेंगे पढ़ाने में। जब तक आपका हाथ रहेगा तो आंदोलन रहेंगे, विद्यालय लगेगा, विद्यालय में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, उसी तरह काम करेंगे, लेकिन छुट्टी के दिन शिक्षा विभाग में सम्मिलन की मांग करते रहेंगे। छठवा 6 बार बनिया तिलियों की तरह, छठवा हमको दिया गया 3-3 हजार, कभी काट लिया जाता है, कभी 4-4 हजार रुपया घटा दिया जाता है। हमको छठवा 2013 से छठवा दिया जाए और 2013 के पहले अगर नहीं मिलता तो हम इसी तरह आंदोलित रहेंगे। हमारा मूल उद्देश्य शिक्षा विभाग में सम्मिलन। अभी मामा और नाना का दर्जा दिया गया, ये मामा और नाना का दर्जा किन को दे रहे हैं आप लोग? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और तुम मेरे भांजे हो। हमारे जो स्टूडेंट उनसे भी कहता है, हमसे भी कहता है,
तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो हम चाहते हैं समान कार्य समान वेतन, जो सहायक शिक्षक हैं हमसे पहले के उनको वेतन बहुत ज़्यादा मिलता है, सातवां वेतन, और हमें छठा भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम संडे को आंदोलन करते हैं, अभी भी हम छुट्टी लेके आए हैं। मध्य प्रदेश में हमने अभी दशहरा मैदान पे आंदोलन किया, मामा सुनता नहीं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और हम स्कूल बंद नहीं करते हैं, हम संडे को हर संडे को आंदोलन करते हैं, और अभी भी भोपाल में संडे को ही आंदोलन करेंगे। हमारे बच्चे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनकी भरपाई भी करते हैं। परंतु हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सोचना पड़ेगा। अरे न्यूज चैनल वाले कहाँ गए हो तुम लोग?